अच्छा, तो प्रॉफिट कैलकुलेशंस किस तरह करेंगे और कैसे करेंगे वो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट जो है, अब अमेज़ॉन के ऊपर उसका क्या रेट है, उसकी क्या प्राइस है, और सप्लायर के पास वो हमें कितने की मिलेगी और कितने की हमें सोर्स करनी चाहिए, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, आगे सेलर्स के स्टोर्स जो है उसको फिल्टर कर लेंगे, प्रोडक्ट्स फिल्टर कर लेंगे, प्रोडक्ट निकल आई हमें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट मिल गई, उसके बाद फिर हम उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशंस करेंगे कि उसमें हमें कितने डॉलर्स का मार्जिन है, ये कितने परसेंट हमारा जो है वो आरओआई है। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपने लेट्स सपोज 100 डॉलर्स आपने इन्वेस्ट किए और 100 के साथ आपको 50 डॉलर्स का प्रॉफिट हो गया, तो कितने परसेंट आरओआई होगा? 50%। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अगर 100 लगा के आपने 25 कमाए हैं तो फिर कितना होगा? 25%। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरिएट करता है। आप लोग जब अपने स्टोर्स रन करेंगे तो उसमें आपने क्यूमुलेटिव जो प्रॉफिट होता है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट क्या होता है कि सारी प्रोडक्ट्स का मिला के, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट $10 मार्जिन है, एक प्रोडक्ट 25% मार्जिन वाली है, एक प्रोडक्ट जो है वो आपको 40% मार्जिन दे रही है, आपने एटलीस्ट 30% स्टोर अपना मैनेज करना है, 30, 35, 40 आपका क्यूमुलेटिव इतना होना चाहिए, मतलब सबका मिला के प्रॉफिट आपका 35 से 40% होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको काम करने का मजा आएगा। तो अभी प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं कि किसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, इधर से ही आगे निकलते हैं, यहाँ से किसी सेलर को एक्सप्लोर कर लेते हैं हम लोग, किसी भी न्यू सेलर को। और सेलर जो है वो FBA होना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, किसी FBA सेलर को टारगेट करते हैं, ये वाले को देख लेते हैं। इसको अभी मैं इन सबको पहले कर दूं क्लोज। नैनीस को देख लेते हैं, नैनीस के पास क्या लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अमेजॉन फ्रेश भाई साहब भी बेच रहे हैं इसको। इसको देखने लगे थे हम लोग, चलेंगे। अच्छा, इस तरह से आपके पास आ जाएगा, इसको रीलोड कर लें आप। ये वाला जो है इसको भी रीलोड कर लेते हैं। ये कौन है? ये पहले भी अच्छा 2 दफा खुल गया। अच्छा जी, तो इसकी रेटिंग कम है, इसकी रेटिंग ठीक है, इसके पास चलते हैं। अच्छा जी, अब आगे हमने अपने क्राइटेरिया वाली प्रोडक्ट्स को देखना है, तो क्राइटेरिया वाली प्रोडक्ट्स किड्स, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, बस यही प्रोडक्ट्स इसके पास लिस्टेड है, तो इसी में से पहले चेक कर लेते हैं कि कितने परसेंट हमें बच रहे हैं। तो इसकी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस जो इस टाइम चल रही है वो चल रही है 24, $24 है। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं आया अभी तक, ऑल डेज में भी अमेजोन अभी तक नहीं है, और हाईएस्ट प्राइस इसकी रही है 40.86। 40 के मैक्सिमम सेल होता रहा है, अभी 24 पे सेल हो रहा है, लेकिन ये है कि बाकी लोगों का भी हम चेक कर लेंगे कि कितना कितना स्टॉक है। तो
इसको सर्च करेंगे सप्लायर के पास। अच्छा जी, 24 पे इधर सेल हो रहा है, 19 लगा हुआ है, 19.99। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, तो अभी हमने क्या करना, ये ना थर्ड पार्टी सेलर इसको सेल कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले, इसको ब्रांड भी चेक कर लेते हैं, ब्रांड तो नहीं सेल कर रहा। मैजिक टच देखे कितने नए सेलर मिल गए यहाँ से, इन सबको जो है ना हमने चेक करना है। ठीक है, पहले हम इसको अब प्रॉफिट देख लेते हैं कि इसमें हमें कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कोई ज्यादा खपना नहीं है, सिंपली इधर सर्च करेंगे हम लोग, क्या सर्च करेंगे, एफबीए कैलकुलेटर। ठीक है, एफबीए कैलकुलेटर सर्च कर लेना, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो ये आ जाएगा सामने आपको, इसको ओपन कर लें। इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने क्या करना है, कंटिन्यूअस गेस्ट कर लेना यहाँ से। कंटिन्यूअस गेस्ट करने के बाद अपनी प्रोडक्ट पे वापस आ जाएं और इसका यहाँ से एसएन कॉपी कर लें, ये वाला एसएन यहाँ पे भी दिया हुआ है, इससे कॉपी कर लें। उसके अलावा ये भी लिखा हुआ है, उसके अलावा नीचे प्रोडक्ट की डिटेल्स में ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट करके सर्च कर लें। अच्छा जी, तो अभी क्या है कि 24 पे आइटम की प्राइस चल रही है 24, ठीक है, हमें कितने में मिलेगी, 19.99। ठीक है, 19.99 मिलेगी, मिसलिनियस कॉस्ट डाल लें इसके ऊपर, 1.5 डाल लें, $1 प्रेप का डाल लें, साथ कुछ टैक्स वगैरह भी, बहरहाल वो हम टैक्स एग्जम्पशन यूज कर लेंगे उसके लिए। अच्छा, तो अगर हम इसको 24 पे बेचते हैं ना, तो हम $7, $8 लॉस में हैं। ठीक है, कौन सी फुलफिलमेंट देखनी है, अमेजोन फुलफिलमेंट, एफबीए। ठीक है, अगर हम इसको खुद से फुलफिल करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है, 19.99 ये आ गया। इधर जो है वो फुल मिसलिनियस कॉस्ट, आप $2 डालें, इसकी प्रेप कॉस्ट ज्यादा होती है एफबीएम की। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे इसका लॉस ज्यादा, इधर लॉस कम है, इधर जो है ना अभी फुलफिलमेंट कॉस्ट या शिपिंग चार्जेस नहीं हमने ऐड किए, तो इधर जो है ना अभी हम क्या करेंगे, शिपिंग चार्जेस इसके $4 डाल देते हैं, मिनिमम इतने ही लगते हैं, तो 0.82 सेंट्स प्रॉफिट है इसके ऊपर। ठीक है, 2%, 2.9%। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए एटलीस्ट मिनिमम भी है ना 15% तो चाहिए। अब 15% के लिए हम क्या करेंगे, हम प्राइस इंक्रीज करेंगे इसकी, 33 मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम कितने पे ऑर्डर्स आए हैं उसके, मैक्सिमम प्राइस 40 रही है। ठीक है, तो ये गेन 40 पे जाएगी। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं 37 करने, ठीक है, इतने पे तो ऑर्डर्स उठा ही लेता है बंदा। अच्छा, तो 37 पे अगर हम सेल करते हैं इसको,
तो 11.87 प्रॉफिट होता है, और अगर हम इधर 37 से सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है? $5, $3, ठीक है, 33.15 डॉलर्स। तो उसमें ये कि आपको ये वाली फुलफिलमेंट इस पे सूट कर रही है, ठीक है। तो जिसके ऊपर आपको मतलब कि ज्यादा मार्जिन आ रहा है, आप इसमें जो है वो लेबल वगैरह जनरेट, वो लेबल्स वाला सीन आगे चल के पढ़ेंगे, तो इसमें ये कि FBM के ऊपर आपको ज्यादा पैसे बच रहे हैं, और अगर ज्यादा ऑर्डर्स लेने हैं तो फिर अमेजोन की फुलफिलमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां तक अब समझ आ गई है आपको? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे काइंडली बताएं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी फिर ढूंढते हैं। जल्दी जल्दी बताएं फिर आगे चलें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बीच में चीजें बता दूं कि ये जो मिसलिनियस कॉस्ट होती है, मिसलिनियस कॉस्ट क्या होती है? एक्स्ट्रा खर्चे, मतलब कि अब ये जो कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो है ये वाली, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट पैक भी होनी है, प्रोडक्ट पे लेबल भी लगना है, ठीक है, प्रोडक्ट पे बबल रैप या कोई भी मतलब के चीज जो है वो एक्स्ट्रा आप लगा रही हैं, पैकिंग वगैरह होगी, तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना वो हम ऑन एवरेज इतनी डाल रहे हैं, $2 इधर डाली हमने, $1.5 दूसरी साइड पे डाली है, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है ये हिडन कॉस्ट होती है, तो आपको पता नहीं होता इसके बारे में, लेकिन फिर भी इसका एक एवरेज हम में डालनी पड़ती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा ये वाली जो कॉस्ट है, ठीक है, अमेजोन की फीस पर यूनिट, आप जो भी यूनिट सेल करेंगे ना तो उसके ऊपर अमेजोन एक फीस चार्ज करता है अपनी, ऑन एवरेज FBA के ऊपर वो चार्ज करेगा 35-40%, 30-40% इसके दरमियान। उसी में ही आपकी फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गई, फिर अमेजोन के जो आप वेयर हाउस में रखवा रहे हैं तो पर यूनिट आपको जो है ना $0.13 जो है ना वो चार्ज करेगा। अच्छा, स्टोरेज कॉस्ट कितनी? 0.13 इसके ऊपर आपको चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये फीसिस जो है ये FBA के अंदर पढ़नी पड़नी है, और अगर आप FBM कर रहे हैं तो FBM के अंदर आपसे अमेजोन कितनी फीस चार्ज कर रहा है? 7.14, मतलब ऑन एवरेज 15-20% आपसे अमेजोन चार्ज कर लेगा पर यूनिट सेल के ऊपर, ठीक है। फिर फुलफिलमेंट कॉस्ट, यहाँ पे कोई अमेजोन की फुलफिलमेंट कॉस्ट नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट भी अमेजोन की नहीं है। अगर आपकी स्टोरेज कॉस्ट आपके वेयर हाउस वाली ऐड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा भी जो है वो 1 महीने की कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं होती, महीना आप जहाँ पे मर्जी अपनी प्रोडक्ट रखवाएं। तो फर्दर जो है वो इस तरह मतलब के ना आगे चलते हैं।
अच्छा जी, वो सॉरी एक कॉल आ गई थी, तो अब समझ लग गई है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल जवाब है तो वो पूछें, यहीं तक था हमारा लेक्चर। तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेशंस करनी है, अब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालेंगे और उन प्रोडक्ट्स की प्रॉफिट कैलकुलेशंस करेंगे जिनमें एटलीस्ट आपको यहाँ पर कोई 30-35% मार्जिन आपको मिले, या 20%, 15% जितना भी है, 10% भी अगर आपको मिले तो आप उन प्रोडक्ट्स को अपने पास सेव करते जाएं शीट्स के अंदर, ठीक है, एक्सेल के अंदर फाइल बनाएं उसकी, उसको सेव करें। तो एटलीस्ट 10-10 प्रोडक्ट्स आप हंट करके रखें, परसों जो है उनको चेक करेंगे, और चांसेस हैं कि कल जो है ना वो इमरान खान में भी अरेस्ट हो जाए और इंटरनेट फिर से बंद हो जाए, तो बाकी फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ लें या एडमिन को मैसेज कर लें, ठीक है। तो ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।